किसानी मोर्चे दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर आ रही है कि इस वक्त 18 फरवरी एतवार का दिन है, शाम वेले 6 बजे किसान आगू सरबण सिंह पनेर ते जगजीत सिंह डल्लेवाल की 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाल मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिस दे विच के किसान आगू ते केंद्रीय मंत्री मीटिंग कर रहे ने, विचार चर्चा कर रहे हैं। तो उधरले पासे वड्डी खबर आ रही है हरियाणे दे नाल, हरियाणे दे वड्डे आगू वड्डा नाम गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो कि कुछ देर पहला चर्चा दे विच भी आए थे कि उन्होंने वालों एक बयान दे दिता गया सी कि सानू कोई इस मोर्चे दे लई सद्दा नहीं आया, पर उन्होंने वालों वड्डा ऐलान कर दिता गया कि यह केंद्र दे नाल अखीरली मीटिंग होवेगी, जेकर इस मीटिंग दे विच कोई हल नहीं निकलता तो वड्डा मोर्चा बिटिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मोर्चे का जो शंभू बार्डर से खनौरी बार्डर से किसानों का धरना लग्या होया, गुरनाम सिंह चड़ूनी दे वालों इस नूं समर्थन दे दिता गया। तो इस उन्होंने वालों ये गल कही गई है कि पूरे हरियाणे के जो भी किसान आगू ने इकट्ठे होकर इस किसानी अंदोलन का साथ देंगे, तो इस किसानी अंदोलन नूं किसानी अंदोलन 2.0 का नाम दिता गया। तो उस दे नाल तुहानूं दस रहे कि दीप सिद्धू की बनाई हुई जथेबंदी वारस पंजाब दे जो आगू ने पलविंदर सिंह तलवाड़ा दे वालों भी एक ऐलान कर दिता गया कि बिना किसी शर्तों के इस मोर्चे की हमायत की गई है, समर्थन किया गया। तो हुण देखना होगा कि इस मीटिंग दे विच कोई सिट्टा निकलता जां फिर कोई वड्डा अंदोलन बिटिया जाता। पर इस दे नाल वड्डी एक होर खबर आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चे की भी एक मीटिंग चल रही है, जिस दे विच गुप्त सूत्रों तो यह खबर आ रही है कि जल्द ही वो इस मोर्चे दे विच अपना समर्थन देंगे। पर तुहानू दस रहा कि हरियाणे का वड्डा नाम गुरनाम सिंह चड़ूनी दे वल्लों ऐलान कर दिता गया कि जेकर अज की मीटिंग दे विच कोई भी सिट्टा नहीं निकलता, किसानां दीआं मंगां किसानां दे जो वादे होए सी ओह पूरे नहीं कीते जांदे तां अंदोलन वड्डा बिटिया जाएगा, पूरा हरियाणा सारे आगू इस मोर्चे का समर्थन करनगे। तो उधर दीप सिद्धू की बनाई जथेबंदी के आगू पलविंदर सिंह तलवाड़ा दे वल्लों भी यह गल कह दी गई आ कि बिना किसी शर्तों के इस मोर्चे की हमायत की गई आ। उधरले पासे संयुक्त किसान मोर्चे की एक वड्डी मीटिंग चल रही है, जिस दे विच सूत्रों तो खबर आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों भी इस किसानी अंदोलन नूं हमायत की जा रही आ, समर्थन किया जा रहा। तो हुण देखना होगा कि जो केंद्रीय मंत्रियों के नाल किसान आगू सरवण सिंह पनेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल की मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग दे विच कोई सिट्टा निकलता जां फिर पहला दिया कई मीटिंगां तरह बेसिट्टा रह जांदी। उधरले पासे शंभू बार्डर ते खनौरी बार्डर ते लखां दी गिणती दे विच जो नौजवान ने ओह किसान ने ओह देख रहे ने कि आगू सानू कदों कोई ऐलान करदे रहे कि दिल्ली जाणा जां फिर इह कहिंदे रहे कि केंद्र सरकार ने साडियां जो मंगां ने ओह मन लीआं ने। क्या फैसला लिया, सबकी निगाहें लगी हुई हैं इस पर? देखिए आज मीटिंग में काफ़ी संगठन आए हैं, खापे आई हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी खड़े हैं जो सारी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं। तो आज की मीटिंग में एक बड़ा फैसला ये लिया है कि अगर आज की जो बातचीत है अगर वो विफल होती है, जो सरकार के साथ चल रही है अगर वो बातचीत विफल होती है तो फिर सभी जो संगठन है वो एक मत से होके बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर शुरू करेंगे। लेकिन वो लड़ाई शांतिपूर्वक होगी, डंडा बजाने वाली नहीं, और सभी जो संगठन हैं उनके उनसे सभी से कल राय करके अगली घोषणा उसकी की जाएगी। आज इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आज सरकार ये ना कहे कि हम बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम जो है वो लड़ाई को उतर रहे हो, तो इसलिए जो है वो उसकी घोषणा कल हम सभी से राय करके टेलीफोन सभी को नोट कर रहे हैं, सभी संगठन जो शामिल हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक चीज़ ये आज हुई है कि हरियाणा के सभी संगठन एक साथ हैं, एक और सभी इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे और जिसकी घोषणा जो है वो कल की जाएगी। दिल्ली की बात है, और दूसरा ये है कि अगर हमने लड़ाई दिल्ली की लड़नी है तो दिल्ली के जो किसान हैं उनको भी हमें संगठित करना है। उसके लिए हमने 4 मेंबरों की टीम बना दी है और वो 4 मेंबरों की टीम दिल्ली के जो किसान संगठन हैं या किसान प्रतिनिधि हैं उनसे मीटिंग करके, अगली कोई तरीक रख लेंगे ये, उनसे मीटिंग करके तो दिल्ली के किसानों को भी तैयार किया जाएगा ताकि अगर दिल्ली के अंदर कोई प्रदर्शन करना पड़े तो वहाँ के किसान भी हमारा साथ दें। केंद्र से जो बात हो रही है क्या उसके अंदर हरियाणा के किसान भी साथ बैठ रहे हैं, क्या उनकी भी बातचीत उनको पता चल रही है? नहीं, हम उसमें शामिल नहीं है, कोई और शामिल हो तो मेरे को नहीं पता। वैसे एक्चुअली ग्रुप तो हरियाणा के भी किसान हैं वहाँ,
इसमें जो इनकी बातचीत चल रही है, पर मेन बात उनके पास हमने खबर पहुंचा दी है कि भाई ये अध्यादेश उद्यादेश नहीं चाहिए, यह सरकार जब हम सोवा हाँ तो कानून के मोह से तड़के एक और नया बना पाओ से, तो हमने ये जो मांग है जितनी भी तो इनका भी हमने कानून दे दो, यह अध्यादेश उद्यादेश नहीं चाहिए हमने, इन अधिकार ने फिर उल्टे ले लोगे, हमने विश्वास नहीं है इस झूठी सरकार पर, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो ये सरकार। मेन मकसद ये है हमारी खाप, अब वो जो दिल्ली वाली है हम उनके कॉन्टैक्ट में है, बहुत जल्दी जो है डिसीजन दे देंगे, फैसला दे देंगे, इस बार हमने इनके ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, बेशक हम अपने बड़े भाई पंजाब वाले से कह रहे हैं इतने ज़्यादा जो है ये आदमी इस मामले में सरकार के साथ टकराव ना करे, हमारे ट्रैक्टर बहुत है, दिल्ली में 10-12 हज़ार ट्रैक्टर बैठे हैं हमारे किसानों के और तैयार बैठे, कह दिया भाई तेल पानी करके तैयार कर लो। और दूसरा जो ये 22 तारीख को जो ये कॉल दी जा रही है इनकी वकीलों की कि ईवीएम मशीन वाली, उसके लिए हम वकीलों के साथ हैं और सारे संगठन किसान संगठन सब वहाँ 22 तारीख को वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। पंजाब वाले विश्वास कर नहीं रहे, पंजाब वाले बुला रहे हैं? नहीं विश्वास कर रहे हैं, पर हम सरकार का नहीं कर रहे कि भाई अध्यादेश का हम मीटिंग के लिए हमारी सब डिस्कशन चल रही है, आपसी सारी बात मामला चल रहा है, हमारी खापों का उनकार कति सेवा खातर तैयार बैठे सा, अलग अलग जगह हमने अपने धरने स्टार्ट करवा दिए हैं, सारे ट्रैक्टर हमारे हरियाणा के भी कति हर जगह रोड के ऊपर स्वागत के लिए फूलों के लिए तैयार बैठे। सर एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है कि ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली क्यों जाना चाहता है किसान, और ट्रैक्टर वहाँ पर लेकर जाकर क्या हासिल मिलेगा? अरे भाई जिसके पास जो सवारी है जो साधन है, किसी के पास कार है तो वो कार ले जाएगा, किसी के पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल ले जाएगा, हमारे पास क्या, हमारे पास कोई जहाज थोड़ा ही खड़े हैं, हमारे पास तो ट्रैक्टर हैं, इसलिए हम अपने ट्रैक्टरों में जाएंगे, हमें वहाँ खाना भी चाहिए, हमें वहाँ कपड़ा भी चाहिए, तो इसलिए अपने ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। और क्या दिल्ली कोई दूसरे देश में है कि जहाँ हम ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते? ट्रैक्टर लेके क्यों सरकार रोकना चाहती है हमें तो ये समझ नहीं आई, वहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्राउंड पड़े हैं दिल्ली के अंदर, वो ग्राउंड में जगह दे सकते हैं, हम ट्रैक्टर लेके दिल्ली में जाएं, हमारा प्रदर्शित करना मौलिक अधिकार है, फिर ये तो अधिकार हमारा अंग्रेजों ने भी नहीं छीना था, उसके टाइम भी प्रदर्शन करते थे हम। सर हरियाणा इसका ट्रैक्टर वाली बात पे हम मोदी सरकार से भी, इनके गृह मंत्री से भी और दिल्ली वाली सरकार से भी, आप पार्टी से क्लियर कह रहे हैं भाई कती ट्रैक्टर नहीं लेके आवेंगे, महाराज जो ठहराएंगे चाहे एक महीना दो महीना एक साल, हमारा रोटी पानी कर हमारा बटे वही डाल सेवा कर दिया, उड़े उड़े आ जाएंगे कती न्यू के न्यू मेट्रो में बैठ बैठ के, पैदल भी आ जाएंगे, पैदल मार्च भी कर लेंगे अगर तुमने ट्रैक्टर डर लग गए तो, पर हमारा जो है रोटी पानी जो हम ट्रैक्टर में लाद के लाने लग रहे थे छः छः महीने का साल साल का, ये और किस लिए है? इसलिए ट्रैक्टर आ रहे हैं और कोई मकसद नहीं है ट्रैक्टर का। हरियाणा के गृह मंत्री का बयान आया है। साथियों नमस्कार, साथियों आज जो सभी संगठनों की मीटिंग बुलाई थी उसमें कई संगठन शामिल हुए हैं, खाप पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं ओम प्रकाश धनकर जी जो सभी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं वो भी शामिल हुए हैं, और आज जो फैसला लिया गया है वो ये लिया गया है कि सभी संगठन मिलके जो है अगले आंदोलन में भाग लेंगे और अगली जो रणनीति है वो इकट्ठी बनाएंगे, और आज का जो मीटिंग बुलाई है सरकार ने उसका रिजल्ट देखने के बाद कल जो है निर्णय लेंगे उस पर कि आगे क्या करना है सभी से टेलीफोन करके, और उसके साथ एक फैसला ये लिया गया है कि दिल्ली के अंदर भी किसानों को जोड़ने के लिए एक कमेटी बनाई है 4 मेंबरी जो दिल्ली के किसानों से बात करेगी और दिल्ली के किसानों को भी साथ लेंगे, क्योंकि दिल्ली में अगर आंदोलन कराना तो दिल्ली के किसानों को भी साथ में जरूरत पड़ेगी, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको साथ में मिलेंगे, तो आज ये फैसले हुए हैं, अगर सरकार आज मान जाती है तो ठीक है, वरना कल फिर सभी राय करके अपनी कोई अगली रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद।